छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। आइए सुनते हैं सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। साल के भीतर में लगभग 1634 हमारे जो गौठान हैं वो स्वावलंबी हो चुके हैं। ये संकेत ये दे रहा है कि गौठान के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बढ़ा है। इसे और मजबूती देने का काम हम लोगों को करना है, जिसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें अभी तक जैसे अगरबत्ती है, दिया है, गमला है, साबुन है, फिनाइल है, गौमूत्र से जो दवाइयां हैं वो बनाने का काम, तो सारे गतिविधियां यहां संचालित हो। एक समूह को ये काम भी दिया, एक एक समूह को ये काम दिया जा सकता है, ताकि बहुत सारे समूह को हम लोग केवल गांव के गौठान के एक ही समिति को नहीं बल्कि विभिन्न समितियों को विभिन्न काम दे सकते हैं। आज हम लोग जो जाते हैं तो मांग यही करते हैं कि हमको भी कुछ ज़मीन दे दी जाए तो हम बाड़ी का काम कर लें, और वो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और बहुत सारे समिति, मैं तो कांकेर जिले में गया था तो वो लोग तो रेग ले लिए थे, वहीं पर जो गौठान है वहाँ प्राइवेट ज़मीन थी तो उसको रेग में ले के भी वहाँ बाड़ी का काम स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से लोगों के जो रुझान है न केवल वर्मी कंपोस्ट बल्कि दूसरे गतिविधियों में भी लोगों के, हमारा अध्ययन इसमें है कि हम गोबर से बिजली कैसे उत्पादन करें, और यदि उसमें कर सकते हैं तो 5 रुपये से 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिजली उत्पादन किया जा सकता है, जो अध्ययन है। तो यदि इसको भी हम लागू कर पाएँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस काम को भी हम लोगों को यदि उसमें सफलता मिली तो जहाँ कम मात्रा में गोबर मिले तो हम पोर्टेबल उस प्रकार से यूनिट डाल दें, क्योंकि विभिन्न गौठान में जाके जहाँ जहाँ गोबर इकट्ठा होते जाए वहाँ उस पोर्टेबल यूनिट को ले जाके उसका बिजली उत्पादन करके हम ग्रिड में डाल। अभी जिस प्रकार से जो हम लोग 4 बोर्ड गठन किए हैं उसको भी इसमें इन्वॉल्व करना है, तो हमको बहुत सारे और निर्माण करने पड़ेंगे, तो उसके दिशा में भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और सीएस आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो 4 बोर्ड गठन किए हैं उसकी वित्तीय प्रबंधन, वित्त सचिव भी बैठी हुई है, उसकी वित्तीय प्रबंधन कैसे व्यवस्था हो, वो कैसे ऋण दे सकते हैं, यही बात है। और इस सब काम को पूरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, विशेषकर कृषि विभाग ने और विभाग के अधिकारियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे ग्राम के जो समूह हैं उन्होंने जो कर दिखाया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और निरंतर हमारे अधिकारी लोग काम करते रहे, हालांकि विभिन्न प्रदेश से आए हैं और यहाँ के भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति को समझने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन बहुत जल्दी उसको न केवल समझे बल्कि आत्मसात करके उस हिसाब से काम करके नए काम को सफल बना के दिखा दिए। इसके लिए मैं सभी को, पूरे मंत्रिमंडल को, सभी अधिकारियों को, सभी विभाग के अधिकारियों